तो देखिए हमने सभी शिमला मिर्च को खाली कर दिया है, इसके अंदर से सारा निकाल दिया है। आलू के मसाले को इसके अंदर भर दीजिए, तो जितना अंदर तक ये जा सके इसे उठा के इस तरीके से कोने कोने तक पहुंचा दीजिए। तो इस तरीके से इसे पूरा फुल स्टफ कर देना है। तो देखिए ये भर के तैयार है। सभी शिमला मिर्च को कढ़ाई में सीधे खड़े करके रख दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वैष्णव फैमिली में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। आज हम आपके लिए लाए हैं शिमला मिर्च की स्पेशल रेसिपी। तो हम बनाने जा रहे हैं भरवा शिमला मिर्च। यहाँ हमने भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए ले ली है 500 ग्राम शिमला मिर्च। तो आइए अब इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो भरवा शिमला मिर्च बनाने के लिए यहाँ पर शिमला मिर्च को ले लिया है। अब हम इसका ये ऊपर का हिस्सा निकाल देंगे। तो आप एक चाकू की सहायता से इसका ऊपर का हिस्सा इस तरीके से निकाल लीजिए। इसी तरीके से सभी शिमला मिर्च का ऊपर का ये टॉप वाला हिस्सा चाकू की सहायता से निकाल लेना है। तो इस हिस्से को इस तरीके से अलग कर दीजिए। सभी शिमला मिर्च का ये हिस्सा निकाल के अलग कर देना है। तो आप एक नुकीला चाकू लेके उससे शिमला मिर्च के इस हिस्से को अलग कर दीजिए। तो देखिए ये हमारी सारी शिमला मिर्च के ऊपर के हिस्से अलग हो गए हैं। तो इसी तरीके से शिमला मिर्च को अंदर से खाली कर देना है। तो चाकू लेके शिमला मिर्च का अंदर वाला हिस्सा खाली कर देंगे। तो देखिए हमने सभी शिमला मिर्च को खाली कर दिया है, इसके अंदर से सारा निकाल दिया है। नीचे से शिमला मिर्च को नहीं काटेंगे जिससे ये आसानी से टिक सके। तो इसमें अब भरा जाएगा हमारा आलू का मसाला। तो आइए अब इसे बनाने के प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। शिमला मिर्च में भरने के लिए जो मसाला तैयार किया जाएगा उसमें हमने ले लिया है बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, थोड़ा अदरक, थोड़ा लहसुन ग्रेट करके, और ये हमने ले लिया है हरा धनिया। मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिए हैं उबले हुए आलू। आप इन्हें मैशर से मैश कर सकते हैं जिससे इसमें गुठलियाँ ना रहे, या इस तरीके से कोई ग्रेटर लेके आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। ग्रेट करने से इसमें लम्स नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से आलू को ग्रेट कर लेना है। ध्यान रहे आलू में बिल्कुल भी गुठलियां ना रहे। तो इस तरीके से ग्रेटर लेके सभी आलुओं को अच्छे से मैश कर लीजिए। इन आलुओं का इस्तेमाल शिमला मिर्च में भरने के लिए किया जाएगा, इसका मसाला बनाया जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ग्रेट कर लें। सभी आलूओं को इसी तरीके से मसल लेना है। तो देखिए ये हमारे सभी आलू अच्छे से मैश हो गए हैं। तो चलिए अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया एक फ्राई पैन। अब हम इसमें डाल रहे हैं तेल। तो हम यहाँ सरसों का तेल यूज कर रहे हैं, आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, गैस की आंच को कम कर दीजिए। अब हम यहाँ ले रहे हैं इसमें आधा चम्मच जीरा। तो लीजिए हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। इस तरीके से इसे इतना सुनहरा होने तक पका लीजिए। अब इसमें डालते हैं उबले हुए मैश करे हुए आलू। इसमें आलू को मिला लीजिए। तो आलू को भी इसमें भून लेना है। चलिए अब गैस की आंच को कम कर देते हैं और इसमें डाल देते हैं कुछ बेसिक मसाले।
मिर्च हम यहाँ अपने स्वाद अनुसार ले लेंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं। खटाई के लिए यहाँ पर जाएगा आधी चम्मच अमचूर पाउडर। नमक हम यहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। तो इन सभी मसालों को आलू प्याज के मिश्रण में अच्छे से मिला लेना है और लगातार चलाते हुए कम आंच पे इसे भून लीजिएगा। इसी तरीके से चलाते हुए आपको आलू का मसाला बनाना है। ध्यान रहे ये सारे मसाले आलू में अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। इस तरीके से लगातार चलाते हुए आप इसे भून लें। इसको 2-3 मिनट के लिए भून लें। सारे मसाले भी अच्छे से इसमें मिल गए हैं। देखिए आलू ने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। ये हमारा आलू का मसाला भून के तैयार है। तो सारे मसाले इसमें मिल गए हैं। अब अच्छे स्वाद के लिए हम इसमें मिला रहे हैं हरा धनिया। तो अंत में इसमें डाल दीजिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको भी आलू में अच्छे से मिला लेना है। तो लीजिए शिमला मिर्च में भरने के लिए तैयार है हमारी स्टफिंग। इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं, फिर इसको शिमला मिर्च में भर के सब्जी बनाई जाएगी। तो देखिए ये हमारे आलू के मसाले की स्टफिंग बनके तैयार हो गई है और अब ये ठंडी हो गई है। चलिए अब इसे भरते हैं शिमला मिर्च में। तो इस तरीके से शिमला मिर्च को उठा लेना है और आलू के मसाले को इसके अंदर भर दीजिए। तो जितना अंदर तक ये जा सके इसे उठा के इस तरीके से कोने कोने तक पहुंचा दीजिए। तो इस तरीके से इसे पूरा फुल स्टफ कर देना है। तो देखिए ये भर के तैयार है और नीचे से भी ये बिल्कुल बंद है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसी तरीके से आप इसे स्टफिंग को जितना भर सकते हैं उतना भर दीजिए। बाकी की शिमला मिर्च में भी यही प्रोसीजर करना है। आलू का मसाला उठा के इस तरीके से शिमला मिर्च में अंदर तक डाल दीजिए। तो देखिए ये कितनी शानदार लग रही है। तो इसी तरीके से लेके आपको इसको भर देना है। जितना अंदर तक जा सके उतना अंदर तक डाल दीजिए और इसको भर के तैयार कर लीजिए। तो देखिए हमारी दूसरी शिमला मिर्च भी भर के तैयार है। तो देखिए हमने सभी शिमला मिर्च में स्टफिंग भर दी है। ये हमारा लास्ट वाला पीस है। तो इसमें भी इसी तरीके से शिमला मिर्च में आप ये आलू की स्टफिंग को भर दीजिए। तो ये स्टफिंग अंदर तक चली जानी चाहिए। तो देखिए हमारा लास्ट वाला शिमला मिर्च भी आलू की स्टफिंग से भर के तैयार है। लीजिए इसे भी रख देते हैं। हमने यहाँ सभी शिमला मिर्च को भर के तैयार कर लिया है। ये शिमला मिर्च देखो कितनी अच्छी लग रही है और ये बिल्कुल शिमला जैसी है। तो आइए अब इन्हें शैलो फ्राई करने के प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया कढ़ाई। इसमें हमने ले लिया है तेल। तेल की मात्रा को कम ही रखना है क्योंकि हमने शिमला मिर्च को शैलो फ्राई करना है। तो अब एक एक करके सभी शिमला मिर्च को कढ़ाई में रख दीजिए। तो इस तरीके से कढ़ाई में शिमला मिर्च को रख लेना है। सभी शिमला मिर्च को कढ़ाई में सीधे खड़े करके रख दीजिएगा। गैस की आंच को कम करके तो नीचे से ये शिमला मिर्च सीख गई है। आइए अब इसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। शिमला मिर्च को इस तरीके से प्लस के साइड वाला हिस्सा भी नीचे की तरफ कर लेते हैं। तो ये साइड से भी पक के तैयार हो जाएगी। तो लीजिए ये हमारी भरवा शिमला मिर्च बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी अच्छी बनी है। अब इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए ये हमारी भरवा शिमला मिर्च बनके बिल्कुल तैयार है। कितनी अच्छी बनी है।
तो देखिए इस तरीके से आप भी इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। और आपको हमारी ये शिमला मिर्च की रेसिपी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।